हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल में आपका स्वागत है। एलईडी बल्ब से रिलेटेड कोई भी जानकारी रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहें। तो हमने जिस प्रकार आपसे पिछली बार वादा किया था कि इस बार हम आपके लिए 9 वाट की बल्ब किस प्रकार बनाते हैं, उसका ड्राइवर किस प्रकार बनता है, तो वीडियो लेके आने वाले, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, ये देखिए 9 वाट का ड्राइवर हम किस प्रकार बनाते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम 9 वाट का ड्राइवर किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, लाइन पे प्रॉपर 9 वाट की पीसीबी में कंपोनेंट डाले जा रहे हैं और ये प्रोसीजर कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसको हम मैनुअल कंपोनेंट डालने का प्रोसीजर है। इससे हम मैनुअली कंपोनेंट डालते हैं, कंपोनेंट फुलफिल करते हैं और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको हमारे एलईडी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उससे पे हमारे पे कॉल करें और एलईडी बल्ब की जानकारी प्राप्त करें। और कोई भी एलईडी बल्ब का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करें और काफ़ी डिस्काउंट के साथ आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है इसमें हम कैसे ड्राइवर पे सोल्डरिंग करते हैं, देखिए फ्लक्स लग रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएगा जहाँ पे सोल्डरिंग होगी, तो ये वाला प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। ये देखिए यहाँ पे अब सोल्डरिंग हो रही है, प्रॉपर किस प्रकार सोल्डरिंग करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट स्टेप जो है, अब ये जैसे सोल्डरिंग होके निकल रहा है तो मैं इसका एक आपको पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये जो आ रहा है ये हमारा वेव सोल्डरिंग के लिए आ रहा है पीसीबी, तो इसको हम हीटअप देके स्लोली स्लोली गर्म करते हैं और फिर हम इस पर वेव सोल्डरिंग करते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट एक साथ हीट होके ब्रेकेज ना हो जाए। तो ये जो प्रोसीजर है ये एक वेल मेंटेन तरीके से हम ये प्रोसीजर करते हैं और हम ड्राइवर बनाने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, एक एक पैरामीटर से टेस्टिंग करते हैं, कितनी आउटपुट वोल्टेज है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये टचिंग प्रोसीजर है, यहाँ टचिंग हो रही है, जो कंपोनेंट कटे की एक्स्ट्रा लेग्स होती हैं वो काटी जा रही हैं। ये देखिए प्रॉपर उसी वे में हम कटिंग कर रहे हैं। अब ये टचिंग प्रोसीजर, इस टचिंग प्रोसीजर में जो भी हमारी टचिंग में आता है, जैसे शोल्डर एक्स्ट्रा ये जो लगा हुआ था ये हमने हटा दिया, प्रॉपर हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा कहीं से कोई कंपोनेंट लूज़ तो नहीं है, कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं जो लगा हुआ नहीं है। फिर बैक साइड में देखा जाता है कि कोई कंपोनेंट छूट तो नहीं गया, क्योंकि जब हम वेव सोल्डरिंग करते हैं तो कोई कंपोनेंट हट गया हो या SMT करते टाइम में लगा ना हो, तो ये प्रोसीजर चलता है। फिर इससे आगे जो हमारा प्रोसीजर आने वाला है उस प्रोसीजर में भी प्रॉपर दूसरा बंदा टेस्टिंग करने के बाद फिर इसमें सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से करता है। और ये जो प्रोसीजर दो लाइन पे हम करते हैं टेस्टिंग का भी, जो हम टचिंग वाला है दो लाइन पे करते हैं प्रॉपर। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ये है टेस्टिंग का, हम एक एक 9 वाट का ड्राइवर टेस्ट करते हैं। देखिए 232 वोल्टेज, फिर वाटेज आती है कितने वाटेज हो गया, तो प्रॉपर एक एक एंगल से हम चेक करते हैं, ये आप देखिए। ठीक है सर, तो इस प्रोसीजर में हम जब टेस्ट करके एक ड्राइवर निकालते हैं तो हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि हमारा कोई ड्राइवर ख़राब तो नहीं है या उसमें कोई समस्या तो नहीं। तो इस प्रकार हम अपना एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल निकालते हैं। तो आप देख सकते, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल के लिए। धन्यवाद।